रायता बट्टे रायता किस चीज का पालक का रायता पर मम्मी इसमें पालक तो कहीं नजर नहीं आ रहा उबाल रखा ना भी निकाल लूंगी अच्छा इसमें डालोगे बाद में मम्मी अंगूर को कटिंग कर करके छीलना नहीं है मम्मी बस कटिंग करनी होती है ताकि ना मुंह में पूरा ना गिटक जाए बाबू ऐसे कटिंग करनी होती है मम्मी हल्का हल्का बस दो पीसेस में बेड में से कुछ सामान ढूंढने लग रही थी और देखिए सामान ढूंढने ढूंढने के चक्कर में मैंने मुझे लग रहा है बेड ही ज़्यादा फैला दी है ये वाला जो सूट आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर रखा हुआ है ना हल्का लाइट येलो कलर में ये वाला सूट मैंने 13वीं पर ख़रीदा था हमें ना 13वीं पे क्या होता है कि घाट पे जाके एक नया सूट बाज़ार से ख़रीदते हैं और ना वो सूट हमें पहनना होता है तो ये देखिए ये वाला कलर का सूट था गए थे भाई के साथ जाके ख़रीद के लाई थी और ये देख लीजिए यहाँ पे ये जितने भी कपड़े हैं इनको मैं अच्छे से तय कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ही गंदे तरीके से फैल गया और फिर ऐसे ही हो जाता है ना बेड को एक बार ढंग से समेट देती हूँ फिर मेरे को लगा कि लगे हाथों कुछ ज़रूरी सामान अब खोल ही रखा है बेड तो निकाल ही लेते हैं है ना तो साड़ियाँ अच्छे से मैं तय करके रख दूँगी ये साइड में देखो कितनी बिखरी हुई हैं और इनमें मैं छांट रही हूँ कुछ सूट ऐसे हैं जो अच्छे हैं पहनने लायक भी हैं बट पता नहीं क्यों मैं पहनती नहीं हूँ या तो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं या फिर अब जो नए सूट मिले ना होता नहीं है जब आप नए कपड़े मिल जाते हैं आपको पुराने कपड़े पहनने का दिल नहीं करता बट वो पुराने नहीं हैं चार चार पांच पांच बार पहन रखे हैं तो वो भी ऐसे रखे हुए हैं संभाल के कभी ना कभी तो मैं वो कपड़े ज़रूर पहनूंगी बेड में से जो जो सामान मुझे निकालना था मैंने निकाल लिया और ये देखिए कितना स्पेस अभी खाली है यहाँ पे ना वो आएंगे सर्दियों के मेरे स्वेटर पर अभी नहीं पहले मैं धोऊंगी ना धोने के बाद रखूंगी ऐसे नहीं रखने हैं बाकी मैंने जचा दिया है सामान इसे कर देते हैं हम बंद मैंने मेन तो ना यही निकालने के लिए बेड खोला था क्योंकि पीछे वाले रूम में अभी विहान सो रहा था ना मैंने देखा है यहाँ मच्छर हैं इस कमरे में मच्छर हैं तो अभी देखती हूँ क्या पता ये आ ही जाए ना विहान का मैं सोच रही थी वरना मुझे एक सिंगल बेड के लिए भी नेट खरीदनी पड़ेगी इसमें लेटा के देखते हैं कि क्या पता जब विहान बिल्कुल छोटा था ना चार पांच महीने का तब मैंने ये खरीदा था बट यूज कभी नहीं किया क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी बट अब मच्छर हैं तो मैं सोच रही हूँ इसमें ही लिटा दूंगी बाबू को आप अक्सर मुझसे पूछते हो कि आप इतने स्ट्रोंग कैसे थे आप इतना बड़ा दुख जिंदगी का कैसे झेल गए और उसके बावजूद कैसे इतना हंस लेते हो कैसे इतना मुस्कुरा लेते हो वीडियोज में आते हो हंसते रहते हो तो देखिए स्ट्रोंग इंसान एक दिन में नहीं बनता टाइम लगता है ना तो मैंने भी अपने ऊपर टाइम लिया है अपने ऊपर काम किया है मैंने मेहनत करी है खुद के ऊपर अपने दिमाग को मजबूत बनाना पड़ता है सब कुछ दिमाग का खेल होता है अगर आप अपने माइंड से खुद को स्ट्रॉन्ग बना लोगे ना तो कोई भी लाइफ की सिचुएशन हो बुरी से बुरी क्यों ना हो आप उस सिचुएशन को ना हरा दोगे और आप जीत जाओगे ये बात याद रखना आप तो खुद का दिमाग इतना मजबूत बना लो आप कि आपकी लाइफ में आज मुझे नहीं पता क्या चल रहा है कितनी प्रॉब्लम हो लेकिन मैं आपको लिख के देती हूँ आप उससे अब बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को तो यहाँ पे देखिए मुझे ना ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है बाबू के हिसाब से देखो मैंने लिटाया है देखो चल कल तो चलो ओवरऑल बच्चा सेफ है इसमें लेटा हुआ ना बट ये देखो आप सिर की तरफ से इसको खींचाव पड़ रहा है पर नेट खिंच रही है वैसे लेटा हुआ तो आराम से ही है तो कुछ टाइम तो चल सकता है ना कुछ एक महीने तो यूज कर सकते हैं हाँ देखो बढ़िया यहाँ मच्छर थे पतले वाला कंबल ढक दिया मैंने बाबू को सो रहा है यहाँ साइड में तकिया लगा दिया ताकि गिर ना जाए मेरे पास अभी टोटल 6,000 रुपये बचे हुए अभी मैं काउंट कर रही थी उनमें से अभी मुझे वाईफाई का बिल देना है आज मैं इस बार ना पूरे 6 महीने का रिचार्ज नहीं करवाऊंगी एक ही महीने का करवाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है है ना और इसके अलावा मुझे स्कूबी के लिए भी पेडिग्री खरीदना है और थोड़े वो छोटे मोटे खर्चे हो ही जाते हैं तो 2-2.5 हज़ार तो निकल ही जाएंगे बाकी सेव रखते हैं पूरा महीना विहान का ट्रीटमेंट के लिए चाहिए पैसे है ना हॉस्पिटल जाना है दिखाना है तो उसके लिए संभाल के रखूंगी मेरी मम्मी ने देखो कितना बढ़िया पालक का रायता बनाया है अब तो रोज बना करेगा गर्मी आने लगी ना कोई रायता तो हमारे घर में मिलेगा ही मिलेगा मैं पहले शांति से बैठ के कितना बड़ा गिलास है देखिए रायते का ना अब थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान देना जरूरी है बेड में से ना मुझे ये वाला सूट मिला अब ना मैंने निकाल लिया मैंने कहा चलो पहन लेंगे गर्मियों का सूट है और पूरी बाजू का है जैसे बाहर बाहर भी जाते हैं ना अब थोड़ा सा मौसम भी बदल रहा है इसके साथ ये प्लाजो पैंट है और ये इसका दुपट्टा है मैरून कलर का बस प्रेस करना पड़ेगा फिर पहना हुआ बड़ा अच्छा लगेगा ये वाली सलवार ना शायद मम्मी की है मेरे बेड में रखी हुई थी मैं दिखा देती हूँ मम्मा देखना जरा ये सलवार आपकी है क्या
आप कह नहीं रहे थे एक सलवार तेरी मेरे पास है और ये देखो कार मम्मी के यहाँ रखवा रखी, अब चलवाया करूंगी, अब थोड़ी सी गर्मियां हो जाए। लो देख लो, कहाँ हो आप मम्मी? पीछे वाले रूम में हो? ओके, लाइट जला लूं? ये देखो आप सो रहे थे, ये वाली थी क्या सलवार जो आप कह रहे थे कि मैंने मेरे घर बेड में आ गई है? ये इसकी बात कर रहे थे जब मतलब शादी के टाइम आप कह रहे थे और मेरी आपसे झगड़ा भी हुआ था कि मेरे पास आपकी कोई चीज नहीं है। एक शोल है, एक चुन्नी और है। ए, देख लो अभी बेड खोला, नहीं, चलो मैं नहीं छाड़ा, देख चलो मैं दोबारा बाद में देखूंगी। सूट की हालत नहीं दिया था, सूट जो गर्म। अच्छा सलवार है, खुश हो गए अब मिल गई फाइनली। मैं कार हो गया था ना, नहीं तो हाँ सलवार शोल भी है इसके साथ का, शोल भी देखूंगी मेरे पास है शोल तो हमारी। अच्छा थी पता नहीं इस घर का मेकओवर मैं कब लेकर आऊंगी, और मुझे ना फंक्शंस हैं घर में, उसे पहले इस घर को भी तैयार करना है, सजाना है। पहले तो मैं सोचती हूँ अपना जो पहला घर है ना, पहला नहीं दूसरा घर, इसी को ही तैयार कर लूँ पहले, इसके काम पूरे नहीं होते हैं। अभी बेड खोल रखा था ना, कितनी शांति है ना, देखो मेरा बेटा सो जाता है ना, उसके बाद घर एकदम ऐसे हो जाता है बिल्कुल जैसे कोई रहता ही ना हो यहाँ। चहल पहल तो भाई मेरे बच्चे की रहती है इस घर में, मम्मा ये मम्मा वो ये वो, मन लगाए रखता है बिल्कुल, है ना, वरना तो घर बिल्कुल खाली खाली बिल्कुल दिल नहीं लगता। जब विहान सो जाता है ना, पता क्या होता है मेरे को, ऐसा होता है यार विहान कब सोएगा कब सोएगा, फिर मैं ये काम कर लूंगी वो कर लूंगी, और जब विहान सो जाता है ना वो जो एकदम सुख शांति सी हो जाती है ना, फिर लगता है ये उठ जाए। इसको खेलते हुए ही मुझे मेरा बाबू बहुत प्यारा लगता है सही में। और ये देखिए मैंने ना कुछ कपड़े भी थे, अब मैं गर्मियों के निकालने तो थे ही, मैं कहा लगे हाथ ना मैं गर्मियों के कपड़े भी पहने, ये कुछ कुछ निकाल लेती हूँ। ये देखो ये मेरा मरमुंडा, इसको मरमुंडा बोलते हैं मेरे पापा जी और निक्कर, या तो मैं ये पापा जी को ही दे दूंगी, पापा जी पहन लेंगे। आप कहोगे लड़कियों की है, कुछ नहीं होता, हम रात को पहन के तो सोना है, पापा जी को आराम मिलेगा गर्मियों का, अदरवाइज मैं अकेली तो रहती हूँ। पहले तो मैं इसलिए नहीं पहनती थी, देखो मेरे जैसे मेरे को ना शॉर्ट ऐसे, देखो पापा जी और के सामने मेरे से नहीं पहने जाते ऐसे कपड़े, है ना, भाइयों के सामने। तो बात ये थी कि ना मैं जैसे उस घर में मम्मी के साथ रहती थी तो मतलब पापा जी और आते रहते थे, रात को भी आ जाते थे, अब तो रात को मैं अकेली सोती हूँ इस घर में, है ना, मैं हूँ विहान है तो मैं तो कुछ भी पहन सकती हूँ रात को, तो मैं सोच रही हूँ रात को पहन लिया करूंगी, इसलिए मैं निकाल लिया, क्योंकि आगे आगे गर्मियां होंगी, है ना, सही सोच रही हूँ ना मैं। इसके अलावा ये मेरा एक ब्लैक कलर का नाइट सूट था, ये देखो ये तो मैंने पिछले साल आपने देखा भी होगा मैं पहनती थी, मैंने कहा निकाल ही लेते हैं, ये उसका कमीज है, ये कुछ ये वाला था देखो, एक इसके भी साथ की कमीज पूरा है, सेट है पूरा। मैं कहा ये वाले ना कपड़े बड़े कंफर्टेबल लगते हैं मुझे, कॉटन कॉटन की होते हैं ना, इसके देखो दो जोड़े हैं मेरे पास, मैंने बताया था ना आपको स्टोरीज के पीछे की, शायद जो मेरे को अच्छे से देखते हैं ध्यान से उनको पता होगी, कमेंट करके बताइएगा ये दो जोड़े एक जैसे मेरे पास कैसे आ गए थे, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था। और ये देखो ये एक ये वाला है ना, ये डॉट वाला भी है, ये मैंने ना मेरी मम्मी को सूट दे दिया था पहनने के लिए, मम्मी ने एक आधी बार पहना, फिर आप लोगों ने कमेंट कर करके मेरी मम्मी का ये सूट पहनना छुड़वा दिया, आपने कहा इस उम्र में प्लाजो पैंट पहनती है, शर्म नहीं आती, कैसे कैसे कपड़े पहनती है। मैंने तो मम्मी को बड़े प्यारे प्यारे फ्रॉक सूट दिए थे, मम्मी ने मेरे वापस कर दिए, बोलते मैं नहीं पहनती, कमेंट करते हैं लोग मेरे पास तो मेरी बेड में रखे हैं, वरना मैं आपको दिखाती, इतने अच्छे अच्छे मंगवाए थे मम्मी के लिए मैंने, सिले सिलाए, फिर मम्मी को मैंने ना स्टिच वो बिना सिले सूट देने शुरू कर दिए, मैंने कहा मम्मी आप अपने हिसाब से सिलवा लिया करो, है ना, नहीं पहनते वगैरह तो क्या करे। तो ये देखो ये तो कमीज था इस सूट का, क्योंकि मेरे ना ये थोड़ा सा मैं उस टाइम पतली हो गई थी, अब तो क्या पता आ भी जाए, ये इसकी प्लाजो पैंट थी मेरी इस सूट की, तो चलो कोई बात नहीं, ये वाला तो मैंने खूब पहना है येलो कलर का, है ना। और देखिए आप लोग कमेंट करते हो मेरे पास, कई बार करते हो कि देखो आप लोग बेड पे खाना खाते हो, है ना, तो कुछ बिछा लिया करो, तो मैंने आपको पहले में बताया था ना कि है हमारे पास, मैंने बेड में रख रखा था, ये देखो ये इस चीज बोलते हो ना कि बाथरूम बाथरूम करता है विहान, तो नीचे बिछा लिया करो, ये देखो मैं शीट पहले ही खरीद रखी है काफी टाइम की, करीबन 8-10 एक साल से खरीद रखी है शीट मैंने, पर कभी बिछाई नहीं मैंने, लेकिन रखी हुई है, मैं बिछाती इसलिए नहीं क्योंकि जब हम ये शीट बिछा देती हूँ ना उसके ऊपर ना फिर अनकंफर्टेबल सा लगता है, आप खुद सोचिए मैं हमारे नीचे कोई शीट बिछ रही हो हमसे सोया जाए अजीब सा हो जाता है बिल्कुल, मैं इसलिए नहीं बिछाती, मैं सोचती हूँ परेशान होएगा बच्चा। और ये देखिए ये भी है मेरे पास बिछाने के लिए, ये तो वैसे टेबल का है, मेरे पास मेज नहीं है अब फिलहाल, पहले थी तो मैं खरीद के लाई थी, ये देखो पूरी है साइज की मेज की है, ये जैसे मेज के ऊपर पूरी मेज होती है ना जैसे लकड़ी की मेज, उसका साइज की है ये, मैंने खरीदी थी ये वाली बाजार से, तो ये दोनों मेरे पास रखी हुई है। और आज तो देखिए मैंने काफी कुछ निकाल लिया बेड से, मैंने कहा लगे हाथों निकाल लेते हैं जो निकाल सकते हैं, है ना। तो ये देखिए आज तो मैंने ये तो पर्दे हैं, ये वाला नहीं लगाऊंगी, लेकिन आ ये तो बिल्कुल मिसमैच हो जाएंगे, देखो ना दीवारों का कलर से थोड़ा थोड़ा मैच तो हो रहा है वैसे, है ना,
देखो, नहीं यार अच्छा नहीं लगेंगे वाले, मैं ब्राउन ही कलर अच्छा लगेगा, वो भी प्लेन में मेरे पास रखे हैं, मैं वो ही लगवाऊंगी अगर मुझे लगवाने हुए, क्योंकि मुझे ज्यादा पर्दे नहीं लगवाने, बस मेरे को ये वाला हिस्सा कवर करना है बस, और कहीं नहीं लगाना पर्दे, बिना पर्दे के भी, क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं है कि हर जगह पर्दे पर्दे, इस कमरे में पर्दे, पीछे कमरे में, अच्छे नहीं लगते इतने ना, ओवर हो जाता है घर, बड़ा घर हो तो उसमें तो कहीं लगाते रहो, है ना, छोटा घर है तो देखना पड़ता है। और ये देखिए, ये मेरे पास रखे हुए थे, ये है हमारे सोफे के कवर। अब क्योंकि देखिए आपके भी कमेंट्स आ रहे थे, देखो कोई भी आता है घर अच्छा लगना चाहिए, तो मैंने कहा सोफे मेरे पास है तो उनके कवर के साथ सुंदर लगता है ना सोफा, तो ये देखिए इस तरीके के मेरे पास पूरा सेट है, ये बिल्कुल नया का नहीं है, मैंने एक दो बार बिछाया था दिवाली वगैरह पे, तो मैं बिछा देती थी, ये अच्छे है ना, ये पूरा सेट है, ये कलर देख लो आप कौन सा है, समझ आ गया होगा, मेहंदी कलर है, हाँ ये मेहंदी कलर है, और ये आई थिंक मैंने खरीदा था बाजार से या ऑनलाइन मंगवाया था, मुझे सच में बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, नहीं याद आ रहा, आप बताइएगा मुझे पिछली वीडियोस में अगर आपको याद हो तो, क्योंकि कुछ चीजें ना दिमाग से सच में निकल जाती है, याद ही नहीं रहती। तो देख लो ये सब मेरे पास रखा हुआ है, अब मैं क्या करती हूँ, देखिए इतना सारा जो खलेड़ा मचा है ना उसको समेटना भी अब मुझे ही पड़ेगा, है ना, तो समेटना है, और मेरे को ना पता है मेरे को काम बहुत सारे है इस टाइम, आप सोचोगे एक आधा काम नहीं है, इतने सारे काम है, मेरी मम्मी का घर मुझे पूरा सेट करना है शुरू से आखिरी तक, पूरा बढ़िया वाला लग के, है ना, तो वो भी करना है, इस घर का भी मुझे कितने सारे काम है आपको भी पता है मुझे करने हैं, वो भी निपटाने हैं, बट वही है ना बस, अब बच्चे के साथ क्या, अब तो बल्कि ट्यूशंस भी पढ़ाने लग गई हूँ तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है ना, उसमें भी टाइम जाता है, तो इस चक्कर में बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी अपनी तरीके से, काम करती हूँ कल से थोड़ा और जल्दी सुबह उठना शुरू करती हूँ, है ना, ताकि मैं और टाइम दे पाऊँ, तो टाइम बहुत कीमती होता है ना, तो ठीक है इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं भी करते हो तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को टाइम से वॉच कीजिएगा, ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।